हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम बना रहे हैं फलाफल और सॉस भी इसका बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो है 1 कप भीगे हुए चने ले लिए हैं छोले, और उनको 24 घंटे भिगो दिए है बगैर नमक और सोडे के। अब इनको हमने चॉपर में पीसना है। इसके लिए मैंने 2 मिर्चें हरी ले ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 लहसुन के जवे, और इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा कम है, और ज़ीरा भी इतना ही लिया है 1 टीस्पून के करीब, और इसमें 1 दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हमने कुटी हुई काली मिर्च और 1/2 लीमू का रस शामिल करके इसको मैंने चॉपर में पीस लिया है। इसके अलावा इसके सॉस के लिए जो है हमने 1/2 कप से थोड़े से ज़्यादा बॉयल जो है सॉफ्ट बॉयल छोले ले लिए हैं। इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, ज़ीरा शामिल कर रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डाल रहे हैं, और इसमें जो है हमारे पास मैंने 2 चमचे तिल जो है थोड़े अलग से पीस लिए थे वो इसमें शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हुए ये यकजान हो जाए। 1 लहसुन का पीस डाल दिया इसमें, और अब इसमें हम जैतून का तेल डाल रहे हैं 1 से 2 चमचे, और इसमें थोड़ी सी हमने 1/2 टीस्पून से भी कम जो है लाल मिर्च शामिल करनी है, और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको हमने ब्लेंड कर लिया, हमारा पेस्ट तैयार हो गया, हमस हमारा तैयार हो गया। अब इसके लिए सैलेड अब हम बना रहे हैं। सैलेड के लिए 1 टमाटर ले लिया, इसके सीड अलग कर दिए हैं, चॉप कर लिया है। इसी तरह अनियन भी 1 दरमियाने साइज़ के ले लिए, टमाटर भी 1 दरमियाने साइज़ का, और 1 बड़ी हरी मिर्च जो है उसके भी सीड अलग कर दिए हैं वो इसमें डाल दिए मैंने, और ये 1 खीरा है ये भी मैंने जो है वो छोटे पीसेस में चॉप करके काट लिया है। अब इसमें जो है हमने थोड़ा सा काली मिर्चें डालनी हैं 1/2 टीस्पून से कम, और इसमें थोड़ा सा जो है हमारे पास सॉल्ट डालेंगे 1/2 टीस्पून से कम है ये भी, और 1/2 लीमू जो है वो इसमें निचोड़ देंगे। ये हमारी जो है वो इसकी सैलड तैयार हो गई है, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको आप बना के फ्रिज में रख लीजिए, जब आपको सर्व करना हो तो आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर लें। ये जो हमने बैटर पहले बनाया था इसमें मैं 2 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ, जिससे हम फलाफल बनाएंगे। इससे जो है ये इनकी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, और पिंच जो है इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे, और इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। बाकी हमने इसको पहले ही चॉपर में पीस लिया था, और अब हम इसको हाथ से या स्पून की मदद से आपको जो भी पसंद हो उस हिसाब से इसके, जैसे पकोड़े फ्राई करते हैं ऐसे, मगर ये थोड़े ज़्यादा फ्राई होते हैं। ये देखें ये बना लिए मैंने, इसी तरह तमाम आपने बना लेने हैं। और ये हमारा फलाफल तैयार है, इसको आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व कीजिए, सॉस इस पर स्प्रेड कीजिए, सैलड डाल लीजिए, और ये हमारा तैयार है। आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए आपको पसंद आए तो। अब इसके अलावा मैं जो है वो खरबूजे का शेक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 दरमियाने साइज़ का खरबूजा ले लिया है, उसके सीड निकाल दिए, छिलका निकाल दिया है, और इसमें 1.5 से 2 कप जो है वो दूध शामिल करेंगे। और ये खरबूजा मीठा है तो इसमें मैंने चीनी ज़्यादा शामिल नहीं की है, अगर आपके पास खरबूजा फीका हो तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा चीनी नहीं डाल रही हूँ, इसमें 1 टेबल स्पून चीनी मैंने डाल दी है, और अब इसमें 1 और डाल दी, बस ज़्यादा भर के नहीं लेनी, इसको ब्लेंड कर लेना है। और जो है इसमें हम ये गार्निशिंग के लिए मैंने खरबूजे के ही सर्कल्स इस तरीके से काट लिए हैं टूथपिक में। ये हमारा तैयार हो गया है खरबूजे का शेक, बहुत ही मज़े का है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी तमाम रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो उनको ज़रूर लाइक कीजिए।